क्या खूबसूरत जगह है। पांडवों ने यहाँ पर कुछ दिन के लिए जब वनवास किया था उनको, तो जो कौरवों की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर जो है द्रौपदी की साड़ी भी दिखती है वाले एक पीली पट्टी के साथ। ये आया हमारे पवन भाई, ये भी यहाँ कुटी गाँव में मिले हमको अभी अभी। ये देखिए सील लगा रखी इन तालों में भी। 2 घंटा हो गया था हमको यहाँ फंसे हुए और हम लोग परेशान से यहाँ जंगल में बैठे हुए थे। हाँ, लेट करवाया मगर बढ़िया हुआ। हाँ। नहीं तो नहीं तो बाइक से आता तो इसमें डूब जाता तू अभी। हाँ। हमने सेल्फ मारा और निकल पड़े हम। तो दोस्तों हम हैं अभी कुटी गाँव में। ये मेरे पीछे है कुटी गाँव और ये है कुटी गांव का सुंदर नज़ारा। और ये सामने वाले पे यहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर कुछ दिन के लिए जब वनवास किया था उनको, तो जो है पांडव यहाँ पर रहे थे। और ये है कौरवों की पहाड़ियाँ। कौरव जो है 100 भाई थे, तो अगर गिनने में लगे तो ये जो है मेरे को तो 100 से लग ही रहे हैं। ये जो है 100 भाई कौरवों का पहाड़ियाँ हैं ये। और कभी कभी अगर कुछ मुहूर्त तो अच्छा रहा तो यहाँ पर जो है द्रौपदी की साड़ी भी दिखती है वाले एक पीली पट्टी के साथ। द्रौपदी की साड़ी दिखती है बता रहे हैं यहाँ के गाँव से। तो दोस्तों जो ये नीले गुलाबी फूल खिले हुए हैं, यही फूल जो है अगर सारे पहाड़ों पर उग जाते होंगे जब जून जुलाई में, तो जो है यही जो मैं बता रहा था आपको कि द्रौपदी की साड़ी दिखती है, तो यही जो है फूलों से कलर से द्रौपदी की साड़ी ऐसी जैसा एक भव्य हुई दिखता होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि द्रौपदी जी की साड़ी जो है यहाँ पर दिखती है। क्योंकि देखो इन पहाड़ों पर जब ये पूरे फूल खिल जाएंगे, इतने बढ़िया फूल हैं, तो कितना मस्त लगेगा उसके बाद। और जो है कुटी गांव में जियो का टावर मिलेगा आपको, और ये जो है सोलर पैनल से ही चलता है यहाँ पर जो लगा हुआ है ये। ये आए हमारे पवन भाई, ये भी यहाँ कुटी गांव में मिले हमको अभी अभी सरप्राइज देने के लिए पीछे पीछे से। और एक मूली। हाँ फर्स्ट बार यहाँ रखे हैं। काम कैसा लगा? बढ़िया लगा। साहब देख रहे अभी आलू बोरे साथ साथ में मूली की दूसरी ब्रीड मिलती है यहाँ पर जिसे लफो कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। हाँ वो बोया जाएगा। अच्छा फिर कुछ टाइम बाद फाफर की खेती होगी। अच्छा फाफर होगा। हाँ मेन चीज़ आपकी फाफर है। फाफर मूली और आलू की। तो आप लोग यहाँ कब तक रहते हैं? वैसे यहाँ पर हम नवंबर तक ना। हाँ जी। अच्छा उसके बाद फिर नवंबर 25 तक यहाँ से इस चार से दाटो के लिए माइग्रेट हो जाएगा। अच्छा धारचूला से। हाँ जी बिल्कुल। अम्मा क्या उगा रहे हो इसमें? हाँ आलू बोने के लिए है। ट्रैक्टर हट्टर आएगा ये किनारे किनारे। अच्छा सभी के पास ट्रैक्टर है यहाँ भी? नहीं नहीं मेरे गाय बैल है, किसी का तो है ही नहीं, मेरा तो नहीं है। अच्छा अच्छा किसी के साथ वो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ट्रैक्टर ये आलू बोने के लिए कर रहे हो फिर ये? इस सीजन में खाली आलू आलू बोते हो? आलू मटर। अच्छा साग सब्जी। अच्छा मटर भी होती है? मटर भी। कब तक हो जाएगी मटर? गोभी होती है सब। अच्छा सारी साग सब्जी होती है। हाँ। तो ये कहीं कहीं क्यों कर रखा है? बीच बीच में क्यों छोड़ रखा है ये? बीच बीच में कहा सब नीचे रहते हैं दाखिले में। अच्छा आजकल सब यात्री आ रहे हैं, गाड़ी आ गई। हाँ तो क्या है अब थोड़ा बहुत आने लग गए। अच्छा जो बीच बीच में छोड़ रखे हैं औरों के होंगे? औरों
सब गांव वालों का है। हाँ हाँ होता है, ट्रैक्टर होता था पर सब अच्छा ठीक सब बंजा है। ठीक है ठीक। ये देखिए सील सील लगा रखी है इन तालों में भी कि ताकि खोले तो पता चल जाए, उनको सब याद होगा कि किस ताले में कैसे सील लगा रखी थी। वो रखा है लहसुन और प्याज और ये बोल रहे थे कि मटर भी उगा रखा है और आलू भी हैं सारे जगह। ये है यहाँ की पत्थरों की कटिंग, जैसे लग रहा है कि टाइल बिछा रखे हैं, रास्ते में कटिंग वाले पत्थर डाल रखे हैं। ये है कुटी गांव में तीसरा स्टॉपेज, यहाँ पर जो है चेकिंग होगी, इसके बाद ही हम निकलेंगे आगे को। ये तीसरी चेकिंग हो चुकी है हमारे पास की परमिट की। तो दोस्तों हम कुटी गांव से आगे 11 बजे पहुंच चुके थे और हम दो घंटा हो गया था हमको यहाँ फंसे हुए और हम लोग परेशान से यहाँ जंगल में बैठे हुए थे। अब जो है 1 बजने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पर रास्ता खोला, बहुत परेशानी हुई हमें यहाँ पे, तो हम अब चलते हैं आगे को और एक के बाद एक गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ। तो गाई जी इस डामर के चक्कर में हमको जो है 2 घंटा रुकना पड़ा यहाँ पे, बारिश आ गई गाई, बारिश आ गई टायर के नीचे, नीचे से बारिश हो रही है, ये वहाँ भी रोका है यार उसे। तो गाई ये है यात्री जो है वापसी है इनकी, ये भी रुके हुए थे यहाँ पर जाम में। रोके गए थे। बाइकर्स यात्री वापस आ गए, नाले को पार करके जूते सुखा रहे हैं यार। ठीक है पवन सिंह, अब क्या कहेगा पवन सिंह, तू भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये देखो सुनो मत करना, जेसीबी तभी रखा हुआ है इन्होंने, ये जेसीबी तो रखा है पॉपलेन, इसने स्लो कर दिया ना। भरान कर दे बन इसमें, क्या कहा तूने, भगवान जो करता है वो भले के लिए करता है क्यों, लेट करवाया मगर बढ़िया हुआ, नहीं तो बाइक से आता तो इसको डूब जाता तू अभी, अब डूबता तो क्या 5 जूते किलो है ठंडा, तो खोल लेता घास होते हैं। तो गाइस जोलीकोंग में हमारा पास जमा होने के बाद हम बिना पास के आगे निकलेंगे, अब पास जो है वापसी में मिलेगा हमको। निगम वालों के होंगे इन्हीं के होंगे, आर्मी वालों के, आर्मी के वालों के है ना। तो दोस्तों जोलीकोंग से थोड़ा आगे आने के बाद हम जो है यहाँ पर
कुमाऊं निगम और जॉलीगोंग के आर्मी और लोकल लोगों का यहाँ पर रहने का है ये। और यहाँ पर को हमने गाड़ी पार कर रखी है, अब हम यहाँ से जाएंगे पार्वती कुंड या फिर गौरी कुंड, देखते हैं कि कौन से कुंड में ये पहले ले के चलते हैं। हमारे दादा हमको ये देखिए यहाँ पर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये जॉलीगोंग का एरिया है सारा बोटल। ये आए हमारे पवन दाजी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ का मुकुट है पर बादल आ चुके हैं उसमें अभी, क्योंकि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे रोड के उससे। और ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है जॉलीगोंग में सेल्फी लेते हुए। चलो जॉलीगोंग।